हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लूप्स इन जावा। ठीक, तो एज यूजुअल हम लोग पहले अपना एक फाइल बनाते हैं, वीडियो एंड लूप्स। ओके, अरे यार, इंटरफेस ये क्या हो गया? एज यूजुअल कैन नॉट गेट क्लास। अब क्या हुआ है? ठीक, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। तो सबसे पहले हम लोग सुनने वाले फॉर लूप के बारे में, फॉर लूप। और उसके बाद वाइल लूप, डू वाइल लूप। फॉर लूप के लिए 1 मिनट, जैसे हम लोग फॉर लूप हो गए ना, और ये आ जाएगा 1 मिनट फॉर इटरेशन लूप। यहाँ पे हम लोग ना अपनी अपर लिमिट रखते हैं कि जहाँ तक हम लोग को लूप को चलाना है। लेट अस सपोज हम लोग को 5 तक लूप को चलाना है, तो हमने ये लिख दिया। अब लिखा साउट और लिखा आई। अब ये क्या करेगा? आई की वैल्यू 0 होगी तो अब 0 प्रिंट करेगा, फिर आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 प्रिंट करेगा, क्योंकि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। फिर ये 2 प्रिंट करेगा, 3, 4, लेकिन जब 5 हो जाएगी तो 5 इज लेस देन 5, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, सेटिस्फाई। ठीक, तो 0, 1, 2, 3, 4 इज विल बी प्रिंटेड 0, 1, 2, 3, 4। अच्छा, इसको क्या किया? कमेंट आउट करा, वाइल लूप चलाया, वाइल हम लोग डिफाइन किया इंट आई इज इक्वल टू 0 एंड आई इज नॉट इक्वल टू 5। अच्छा, हम लोग को कोड क्वालिटी को ना हमेशा से अच्छी को बनाते रहे ताकि बाद में प्रॉब्लम आए, तो कुछ स्पेस दे दिया यहाँ पे। ठीक, और साउट आई, इसके बाद आई प्लस प्लस। ठीक, क्या आई की वैल्यू 0 होगी तो 0 प्रिंट होगा, फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 3 फिर 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाने पे ये लूप, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी और जो प्रिंट होगा वो चुका होगा, फिर वो आके नहीं प्रिंट करेगा, जैसे कि हम लोगों ने फिर चलाया। ठीक, 1 मिनट साउट। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वाई। ठीक, अब रन कर देते हैं, रन कराया 1, 2, 3, 4, ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं डू वाई लूप के बारे में। डू वाई आई इज नॉट इक्वल टू 5।
इसमें क्या होता है, पहले ये काम कर देता है उसके बाद चेक करता है। ठीक, 0 हो जाएगा, किसके पास ये चेक करेगा 5। ठीक, अब एक तरह का लूप और रह चुका है, इसको कहते हैं फॉर ईच लूप। इसको हम लोग पढ़ेंगे एरे सीखने के बाद। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। कीप ग्राइंडिंग, कीप इंप्रूविंग। दिस इज समीर सिंह मजदूरी साइनिंग ऑफ।